दूध से कैल्शियम नहीं मिलता है आपको। अगर हमारे कम्युनिटी को, इंडियंस को स्पेशली मैं बात करूँ, दूध से कैल्शियम मिलता होता तो ऑल दी एल्डर्स इन आर फैमिली वुड नॉट बी हैविंग जॉइंट इशूज़। ये वही 50-60 ईयर ओल्ड हमारे मदर्स और फादर्स हैं जो डॉक्टर के पास जाएंगे दैट आई एम हैविंग पेन इन माई जॉइंट्स, चला नहीं जा रहा है, दर्द हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि आप दूध पी रहे थे, कैल्शियम की आपकी कमी हो गई है, इस पर बहुत रिसर्च है। सर तो ये थे कुछ मिथ्स। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है माइंड में कि व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ बैड गट हेल्थ। ओके, आई थिंक ये सबकी लिस्ट पे टॉप पे होगा। सम साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पुअर गट हेल्थ वुड बी एसिड रिफ्लक्स, आपको लगता है आपका खाना बाहर आ रहा है। यू माइट फील अ बर्निंग सेंसेशन इन द अपर पार्ट ऑफ योर गट या फिर चेस्ट। यू माइट फील एक्सट्रीमली ब्लोटेड, यानी कि योर स्टमक पुशेस टुवर्ड्स द आउटसाइड। अगर हम बाउल मूवमेंट की बात करें तो पीपल हैविंग लूज स्टूल्स, दैट मीन्स मे बी सम फूड आइटम इज नॉट अग्रींग विद दैम, या फिर आपके टाइट स्टूल्स हो रहे हैं, यानी कि यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। सो कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो इज अ बिग प्रॉब्लम नाउ डेज, एंड द प्राइमरी फैक्टर फॉर नॉट वन बट मोस्ट ऑफ दीज सिम्टम्स इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड, लॉट ऑफ एसिडिक फूड, वी ऑर्डर इन अ लॉट, हम बाहर का खाना बहुत खाते हैं, जंक फूड इज ऑल्सो देयर इन आर डाइट। So these are primary symptoms that people would usually experience. Sir, अगर किसी को भी अपनी gut health improve करनी है तो वो क्या क्या कर सकते हैं? Gut health improve करने के लिए you need to first understand what the root cause of the problem is. So the root cause first of all is your food. We are eating food that is mainly being promoted to us through social media, through WhatsApp, that this is something you should eat, it'll fix your gut. हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, पीपल टॉक अबाउट एप्पल साइडर विनेगर, दैट इफ यू टेक एप्पल साइडर विनेगर इट इज़ लाइक अ रामबाण, दैट इफ यू टेक एप्पल साइडर विनेगर ऑल योर डाइजेस्टिव इशूज विल बी रिजॉल्व। नो दैट इज नॉट द केस, इट विल वर्क फॉर सम, इट माइट नॉट वर्क फॉर सम, सो यू नीड टू हैव अ वेरी कस्टमाइज सोल्यूशन। माई वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू इफ यू आर हैविंग गट इशूज, नो मैटर व्हाट द सिम्टम्स आर, एड मोर फाइबर टू योर डाइट। जस्ट आइडेंटिफाई कि आपको रॉ फूड ज़्यादा सूट करता है, आपको कुक फूड ज़्यादा सूट करता है, बट फाइबर ऐड करते ही काफ़ी डाइजेस्टिव इश्यूज रिजॉल्व होने लगते हैं। यू नीड टू सी कि आपके बावल मूवमेंट ठीक चल रहे हैं या नहीं। यू शुड नॉट फील कॉन्स्टिपेटेड, यू शुड नॉट हैव लूज स्टूल्स। इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग एनी ऑफ दीज और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इशूज, यू नीड टू सी अ हेल्थ प्रैक्टिशनर। यू कैन ट्राई फिक्सिंग योर डाइट, यूजली डाइट से सब ठीक हो जाता है, मेडिसिन पर सबसे एंड में जाइए हमेशा। एक्जैक्टली सर, अगर गट हेल्थ की बात करते हैं तो वर्स्ट फूड क्या है और बेस्ट फूड क्या है? पहले हम वर्स्ट फूड की बात करते हैं। फॉर मी टॉप ऑफ द लिस्ट व्हेन इट कम्स टू वर्स्ट फूड्स फॉर योर गट हेल्थ इज डेयरी बेस्ड फूड्स, मिल्क, कर्ड, पनीर, चीज़, अपनी डाइट से आप हटाइए। उसके बाद आपका जो भी प्रोसेस्ड ऑयल्स हैं, वी यूज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर फ्राइड एंड रीफ्राइड, सो यूजिंग द राइट काइंड ऑफ ऑयल इज इम्पॉर्टेंट। यू शुड यूज़ देसी घी, यू शुड यूज़ राइस ब्रान ऑयल फॉर कुकिंग इन योर किचन। Olive oil as a dressing on your food is also very good. Try to avoid use of any other oils. Then obviously processed foods ho gaye, isme aapke namkeens ho gaye, sugar wali ya maide wali jo bhi cheeze hain, eliminate these because they're not good for your gut. Gut se dekhiye sari problems shuru hoti hain, aapka cholesterol bhi agar bada hua hai, sugar levels agar aapke bade hue hain, kahin na kahin your gut and your liver are responsible for these problems starting. So it's important that you eliminate these foods from your diet. ओके, एंड अगर सर बेस्ट फूड की बात करें हमारे गट हेल्थ के लिए कौन कौन से होंगे? देखो, फाइबर, आर गट लव्स फाइबर, सो जितना फाइबर रिच फूड देंगे आपकी गट को, आपका फ्रेंडली बैक्टीरिया खुश रहेगा, आपका गट बैक्टीरिया अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। अगर हमारे गट हेल्थ के लिए हमें अपना पूरा दिन अच्छा रखना है तो हमारा होता है सबसे पहले ब्रेकफास्ट, तो हम क्या ऐसा कंज्यूम कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में फॉर आर गट हेल्थ? फॉर योर ब्रेकफास्ट आई थिंक इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एक बैलेंस रखें जिसमें आपका फैट्स भी होने चाहिए, देर शुड बी इनफ प्रोटीन इन योर डाइट एज वेल, एंड कार्बोहाइड्रेट अगर सोर्स लेते हैं तो ट्राई टू कीप देम कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल, यूज ओट्स इंस्टेड ऑफ मैदा बेस्ड प्रोडक्ट, यू नो, रिफाइंड फ्लावर बेस्ड प्रोडक्ट। एंड अगर हम प्रोटीन की बात करें तो आप पल्सेस या लेग्यूम बेस्ड आइटम ऐड कर सकते हैं, आप एग ऐड कर सकते हैं। और फैट्स की हम बात करें तो अगेन, इफ़ यू हैव एग्स इन योर डाइट, फैट्स ऑटोमेटिकली उसके साथ आ जाता है, अदरवाइज यूज सम वेरिएंट ऑफ घी और अ हेल्दी ऑयल इन योर ब्रेकफास्ट, दैट इज हाईली एडवाइजेबल। ब्रेकफास्ट से पहले लेकिन मैं ऐड करना चाहूँगा, इवन दो दैट वॉज इन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ब्रेक योर मॉर्निंग फास्ट विच इज पोस्ट 12 और 14 आवर्स विद नट्स। इट्स अ फैबुलस वे टू ब्रेक योर फास्ट, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी स्टेबल रहेंगे। यूजली हम क्या करते हैं, आपने सीरियल एंड मिल्क ले लिया, विच इज़ अ हाई शुगर ब्रेकफास्ट, हमने खूब सारी शुगर वाली कॉफ़ी या टी ले ली,
सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नो डोंट सेट द टोन फॉर द डे. उसके बाद आपके एनर्जी क्रैश आएगा ही लंच के टाइम विदाउट फेल. ओके. एंड सर, जैसे कि एम्प्टी स्टमक में कुछ भी कंज्यूम करने पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आपको एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है और आप मोटे भी हो सकते हो, तो मैं जानना चाहूँगी कि हम एम्प्टी स्टमक पर हम क्या क्या कंज्यूम कर सकते हैं जो हमारे लिए हेल्दी है, ऐसी पांच चीज़ें मैं जानना चाहूँगी. सो बिफोर आई टेल यू कि हमें एम्प्टी स्टमक पर क्या कंज्यूम करना चाहिए, दो तीन रेड फ्लैग्स हैं. सबसे पहले, डू नॉट कंज्यूम टी और कॉफी ऑन एन एम्प्टी स्टमक. ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो देखी गई है. उसमें क्या आपका कैफीन आ गया जो कि एसिडिक है, उसमें चीनी आ गया जो कि एसिडिक है, उसमें दूध आ गया जो अगेन बहुत ही ज़्यादा हाईली एसिड फॉर्मिंग है. प्लीज़ इनसे दूर रहिएगा. द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर डे इन द मॉर्निंग इज हैव नट्स ऑन एन एम्प्टी स्टमक. एंड पोस्ट दैट, जब आप ब्रेकफास्ट खाते हैं, हाई फाइबर ब्रेकफास्ट खाइए, उसमें अच्छा सा प्रोटीन ऐड करिए, उसमें खूब सारा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऐड करिए, थोड़ा सा फैट ऐड करिए. नॉन वेजिटेरियन अगर आप खाते हैं, एग ऐड कर लीजिए. इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, यू कैन ऐड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लाइक ओट्स फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ऐड दाल का चीला फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैव वेरियंट्स ऑफ इट. ओट्स का आपका पॉरिज बनता है, ओट्स का पैनकेक बनता है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू. ओके. एंड सर, जैसे कि आजकल गट क्लींजिंग लिक्विड्स आते हैं और हम घर पर भी बनाते हैं, तो ऐसे क्या हम घर पे कुछ लिक्विड्स बना सकते हैं जिससे कि हम अपना गट क्लीन कर सकते हैं? देखिए, गट क्लींजिंग या डिटॉक्सिफाइंग, दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ माय डाइजेस्टिव सिस्टम. आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है गट को डिटॉक्स करने के लिए. ओके. सिंपल फॉर्मूला है, अच्छा खाना खाइए, सिस्टम अच्छे से फंक्शन करेगा, योर गट विल डिटॉक्स ऑन इट्स ओन. आप मैदा डालोगे अपनी डाइट में, शुगर डालेंगे फॉर एग्जांपल, योर बाउल्स विल गेट अफेक्टेड, यू विल गेट कॉन्स्टिपेटेड, वहीं पे आपका डिसरप्ट हो गया डिटॉक्स का प्रोसेस. आप देखेंगे जो भी व्यूअर्स हैं, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है, आपको ब्लोट का प्रॉब्लम ज़रूर होगा. क्यों? क्योंकि डिटॉक्स नहीं हो रहा है, एक साइड से निकलेगा नहीं, ऊपर से डालते जाएंगे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर सिस्टम टू फंक्शन नॉर्मली. सो व्हाट कैन वी डू टू डिटॉक्स? जैसे आपने बताया कि लिक्विड से कोई डिटॉक्स नहीं होता है, जैसे ये जूसेस आते हैं, एबीसी जूस, ये सब, इनसे कुछ डिटॉक्स नहीं होता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रूट्स का तो जूसिंग नहीं करें. आप दूसरा रील अगर देखेंगे तो मैंने उसमें हाईलाइट किया है दैट हाउ जूसिंग ऑफ योर फ्रूट्स इज हार्मफुल, बिकॉज आप ओवरलोड कर रहे हो शुगर के साथ, फ्रुक्टोज के साथ. ठीक है, आप फाइबर खाइए, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल, रॉ फॉर्म में, कुक्ड फॉर्म में. ठीक है, वेजिटेबल्स विल बी योर बेस्ट फ्रेंड. जितना आपका फ्रेंडली बैक्टीरिया अच्छा रहेगा गट में, जितना आपको एसिड और ब्लोट के सिम्टम कम फील होंगे, आपका बाउल मूवमेंट अच्छा होगा. हो गया पूरा जो डिटॉक्सिफिकेशन का साइकिल, आपका कंप्लीट हो गया, एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है. ओके. हेल्दी डाइट ले रहे हो तो आपको कोई डिटॉक्स वाटर पीने की जरूरत नहीं है. सर, जानना चाहेंगे कि कैसे मेंटल हेल्थ और हमारी गट हेल्थ इंटर रिलेटेड है? हाँ जी, डेफिनेटली इंटर रिलेटेड है. सो आर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिडर्ड द सेकेंडरी ब्रेन ऑफ आर बॉडी. एंड उसका रीज़न ये है कि हमारे ब्रेन के बाद जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स है, यानी कि योर ब्रेन सेल्स, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड दैट इज़ वाई पीपल विल नोटिस कि वेन एवर यू आर स्ट्रेस्ड और एंशियस, या फिर थाट्स आपको ओवरवेलम करते हैं, आपको डाइजेस्टिव सिम्टम्स कुछ ना कुछ फील होते हैं. लोगों को एसिडिटी फील हो जाती है, उनके बाउल्स यू नो इरेगुलर हो जाते हैं, एंड वाइस वर्सा. अगर आपका फूड अच्छा नहीं है, आप नोटिस करेंगे यू कैनॉट कॉन्सेंट्रेट. आपको ब्रेन फॉग, एक टर्म है जो बहुत लोगों ने सुना होगा, ब्रेन फॉग होता है, फोकस और कॉन्सेंट्रेशन आपका डिस्टर्ब होता है, आप सो नहीं सकते हैं. पीपल हु ईट लेट एंड नाइट, दे नॉट एबल टू फॉल ऑफ टू स्लीप. वाई? बिकॉज देर इज फूड एट द रॉन्ग टाइम इन योर सिस्टम एंड द रॉन्ग काइंड ऑफ फूड इन योर सिस्टम. सो द ब्रेन एंड योर गट अफेक्ट ईच अदर डायरेक्टली, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ओके. ओके सर, तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अभी हमने एक, बिकॉज आपके साथ बहुत टाइम पहले हमने इंटरव्यू किया था, तो अभी हमने अपने जो फॉर्मेट है उसमें एक रैपिड फायर का ये हमने ऐड किया है, जिसमें हम आपके बारे में थोड़ी सी बातें जानना चाहते हैं. ओके. तो सर, जानना चाहेंगे कि आप कैसे अपनी गट हेल्थ को मेंटेन करते हैं? मैं गट हेल्थ को सबसे अच्छा तो मेंटेन इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ घर का खाना खाता हूँ. ओके. ठीक है. अभी फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ एन, आई डोंट थिंक इट्स ओके, इट्स 3 PM इन द आफ्टरनून. ठीक है, भूख बहुत लग रही है, काम बहुत था, मैं खा नहीं पाया हूँ, मैं बाहर भी था, मैं कुछ ऑर्डर करके या कुछ कहीं स्टॉप करके खा सकता था, बट नहीं, अभी मेरा थोड़ी देर में खाना आ जाएगा, मैं वेट करूँगा, मैं घर का खाना खाऊंगा. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घर का खाना खाओ, बिकॉज यू कैन कंट्रोल ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट दैट गोज इन टू योर फूड. आपके मसाले, आपका तेल, आपका पानी, आपके रॉ मटेरियल, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है. Exactly. लोगों को लगता है कार्बोहाइड्रेट कम कर देंगे, प्रोटीन बढ़ा देंगे, अब फिट हो जाओगे लाइफ में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मेरी डाइट में घर का खाना रहता है, चावल रोटी सब खाता हूँ, सब्जी दाल सब खाता हूँ. ठीक है. एंड यस, मेरा जो एक सीक्रेट है, डेफिनेटली लोग मेरे से पूछते हैं,
आप मिल्क मत लो, डोंट टेक डेयरी प्रोडक्ट्स, आपकी एजिंग भी रैपिडली होती है, उससे इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है. जितना एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, यानी कि आप घर का खाना खाओगे और जो खाना मेंट नहीं हमारे लिए, शुगर, मैदा, दूध, आप अवॉइड करोगे, सबसे रहेगा. ओके सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका मॉर्निंग से इवनिंग का रूटीन क्या रहता है इन फूड. ओके आई फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेंटेन कि मैं 12 आवर्स एटलीस्ट कुछ ना खाऊं रात के खाने के बाद. सुबह सुबह उठ के पानी पी लेते हैं, फिर एक सम्पचुअस ब्रेकफास्ट खाते हैं. बाय सम्पचुअस आई एक्चुअली मेंट अ बैलेंस्ड मील. फाइबर बहुत सारा रहता है हमारा फूड में, वेजिटेबल्स हम बहुत सारा यूज़ करते हैं. कभी राइस एंड मिलेट बेस्ड कुछ होगा, कभी दाल बेस्ड कुछ हो जाएगा, कभी ओट्स बेस्ड कुछ होगा, ठीक है, और कुछ नहीं तो हम एक होममेड ब्रेड बनाते हैं और उस पर खूब सारा हम एवोकाडो लगा देते हैं, उसमें अनियन एंड टोमेटो, अपना खुद का कुछ बनाकर हम ले लेते हैं. सो जस्ट टू इंश्योर दैट मेरा यू नो शुगर स्पाइक ना हो और मुझे पूरा बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स सुबह मिले. लंच एंड डिनर इज एक्चुअली वेरी सिंपल. आई विल पिक मे बी चपाती, ओके, वो यूजिंग एमर वीट, और मे बी राइस इन द मॉर्निंग, एंड इफ आई एम नॉट ईटिंग राइस और चपाती, आई ईट द अदर इन द नाइट. एंड देर ऑलवेज बी सैलड इन माई डायट, देर बी लेग्यूम्स और पल्सेज, कुक्ड वेजिटेबल बनेगी. दिन में जब भी टाइम मिला अपने नट्स खा लेते हैं. आई कीप माई लाइफ सिंपल, एंड सिंपलिसिटी में ही बेस्ट विक्ट्री है आपकी. एग्जैक्टली सर. सर लास्ट ये है कि ऐसा कोई मिथ है न्यूट्रिशन, डाइट, किसी भी चीज़ को, मतलब इनसे रिलेटेड, कि आप वो मिथ जो है वो डिबंक करना चाहेंगे? डेफिनेटली बहुत सारे, क्योंकि हमें ये क्वेश्चंस नॉन स्टॉप आते हैं. सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है. Okay. मेरे पास इतने एग्जांपल्स हैं, मेरे पास यंग बडिंग एथलीट्स आते हैं, प्रोफेशनल एथलीट्स भी हैं बाहर जिनका आप एग्जांपल ले सकते हो, आप उनकी किताबें पढ़ सकते हो. आपका वेजिटेरियन फूड में सारा प्रोटीन आपको मिल जाता है. अगर आप एथलीट हो, जिम जाते हो, तो आपको थोड़ा सा खाना ज़्यादा पड़ेगा. यस, टेकिंग अ प्रोटीन सप्लीमेंट इज़ अ लेजी वे ऑफ कंप्लीटिंग अ प्रोटीन. अगर आप थोड़ा अच्छे से प्लानिंग करो तो आप सब कुछ अपनी डाइट से ले सकते हो, ठीक है. एंड दूसरा, दूध से कैल्शियम नहीं मिलता है आपको. अगर हमारे कम्युनिटी को, इंडियंस को स्पेशली मैं बात करूँ, दूध से कैल्शियम मिलता होता तो ऑल दी एल्डर्स इन आर फैमिली वुड नॉट बी हैविंग जॉइंट इशूज़. ये वही 50-60 ईयर ओल्ड हमारे मदर्स और फादर्स हैं जो डॉक्टर के पास जाएंगे दैट आई एम हैविंग पेन इन माई जॉइंट्स, चला नहीं जा रहा है, दर्द हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि आप दूध पी रहे थे, कैल्शियम की आपकी कमी हो गई है. इस पर बहुत रिसर्च है. और दूसरा, एज होने के बाद आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है. यू नीड टू एक्सरसाइज फॉर एवर, क्योंकि आपके मसल्स और आपके लिगामेंट्स, आपके जॉइंट्स हैं जो आपको ज़िंदा रखेंगे. क्योंकि आपका जो स्केलेटल फ्रेमवर्क है, आपकी हड्डियाँ हैं, वो सिर्फ फ्रेमवर्क है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो मस्कुलेचर है, आप उसको अगर हेल्दी नहीं रखोगे एक्सरसाइज करके, तो आई एम सॉरी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज होगी गोइंग फॉरवर्ड. ओके सर, थैंक यू सो मच. बहुत सारे मिथ्स डिबंक हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं. थैंक यू सो मच. वेलकम एज ऑलवेज.